नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मारुति को मैच बॉक्स यानी कि टीम के डब्बे बनाने में महारत हासिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक मैच बॉक्स के बारे में जिसका नाम है मारुति एस्प्रेसो। जिस दिन से ये गाड़ी लॉन्च हुई है उस दिन से धड़ल्ले से बिक रही है और हर महीने इस गाड़ी की ऑन एन एवरेज 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने का मन बना रहे हैं, क्या है आपको गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, इस गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्या ये गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्या ये गाड़ी सुरक्षित है, इस गाड़ी के अगेंस्ट में मार्केट में हमें जो कंपटीशन मिलता है वो सारी गाड़ियाँ आपको क्या ऑफ़र कर रही हैं, अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस गाड़ी के साथ में क्या मिलेगा। यहाँ पर मैं जो भी प्राइसेस कोट करूँगा वो सारी की सारी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई है। आपको एग्जैक्ट प्राइस के लिए अपने शहर में अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। एस्प्रेसो का बेसिक मॉडल स्टैंडर्ड शुरू होता है 3,69,000 से और टॉप एंड जो कि VXI प्लस है जाएगा 4,48,000 एक शोरूम कॉस्ट मुंबई। इस गाड़ी में आपको मारुति का K10 सीरीज का ट्राइड एंड टेस्टेड पेट्रोल इंजन मिलेगा 3 सिलेंडर जो कि BS6 रेडी इंजन है। बेस मॉडल में फीचर्स के तौर पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां तक कि जिस अप मार्केट और मॉडर्न एज में हम जी रहे हैं वहां पर आपको बेसिक चीजें जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और AC जैसी बेसिक सुविधाएं भी इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी। सेफ्टी के तौर पर आपको इस गाड़ी में ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS और EBD मिलेंगी, लेकिन ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मारुति को अपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी की बहुत सारी चिंता पड़ी है। कानूनी तौर पर अगर कंपलसरी नहीं होता तो ये फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जाहिर सी बात है, अगर ठीक ठाक फीचर्स के साथ में आपको मारुति एस्प्रेसो को ख़रीदना है तो टॉप एंड वेरिएंट जो कि VXI प्लस है उसे ख़रीदने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि टॉप एंड वेरिएंट में मारुति आपको क्या ऑफ़र करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन एंड एवरेज इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा एंड डिस्टेंस टू MT मिलेगा। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें इस गाड़ी की, कि थोड़ा बहुत आपको विटारा ब्रेजा जैसा या महिंद्रा की स्कॉर्पियो जैसा SUV इंस्पायर्ड बोल्ड फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ व्हील कवर्स मिलेंगे। हालांकि कॉम्पिटिशन में भी कई सारी गाड़ियाँ आपको टॉप एंड में अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करती। इस गाड़ी में आपको ड्यूल टोन बम्पर मिलेगा, यानी कि अपर बम्पर आपको बॉडी कलर मिलेगा और लोअर बम्पर आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। अल्टो जो कि इससे एक लेवल एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है उसमें भी आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिलते हैं, लेकिन टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको बॉडी कलर बम्पर्स नहीं मिलते। उसी के साथ आपको इस गाड़ी में बॉडी कलर साइड मिरर्स मिलेंगे। इंटीरियर की जहाँ तक बात है दोस्तों, इस गाड़ी में इंटीरियर में स्टैंड आउट करने वाला या वाव फैक्टर जैसा कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आप ऑरेंज कलर की गाड़ी ले रहे हैं तो डैशबोर्ड पर आपको ऑरेंज कलर की एक सर्कल में बनी हुई गार्निश मिल जाएगी। ऑरेंज कलर के अलावा अगर आप कोई और कलर चूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको सिल्वर कलर की गार्निश मिल जाएगी। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी सनवाइजर के पीछे एक टिकट होल्डर जैसा बेसिक फीचर भी आपको इस गाड़ी में मारुति ऑफर नहीं करती। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम 2020 में जी रहे हैं। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को 10-15 साल पहले लॉन्च होना चाहिए था, ना कि उस दौर में जहां पर लोग अप मार्केट, मॉडर्न एज फीचर्स और सेफ्टी के साथ में फुली लोडेड गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, AC और आगे के दो पावर विंडो के अलावा नोट करने जैसा कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर नहीं मिलता।
जहाँ तक इंफोटेनमेंट का सवाल है, इस गाड़ी में आपको मिलेगा 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम विथ 2 स्पीकर्स एंड उसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इस प्राइस ब्रैकेट की कार में ये सारी चीज़ें देना, ये डेफिनेटली काबिले तारीफ है और इसके लिए मारुति को 10 out of 10 मार्क्स मिलने चाहिए। सेफ्टी के तौर पर टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS और EBD के अलावा कोई भी अलग से इम्पॉर्टेंट फीचर्स नहीं मिलता। यहाँ तक कि सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर जैसी बेसिक चीज़ जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड फिटमेंट होनी चाहिए थी, वो भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि टॉप एंड मॉडल लेने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको क्या नहीं मिलता। टॉप एंड मॉडल खरीदने के बावजूद भी बेसिक सी चीज़ यानी कि वैनिटी मिरर और सनवाइजर में टिकट होल्डर जैसी बेसिक चीज़ें आपको मारुति ऑफर नहीं करता। मारुति ने रियर पैसेंजर्स को लेफ्ट अलोन यानी कि अपने हाल पर छोड़ दिया है। उनके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का कोई भी ख्याल मारुति ने यहाँ पर नहीं रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी में कोई भी रियर AC वेंट्स नहीं मिलते, पीछे के डोर्स में कोई भी बॉटल होल्डर्स नहीं मिलता, गाड़ी में रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलता जो कि कंपटीशन ऑफर करता है, ना ही गाड़ी में कोई चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इन सारी चीज़ों के लिए रियर पैसेंजर को आगे के पैसेंजर पर कंप्लीटली डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। रियर पैसेंजर्स को स्टोरेज स्पेस के लिए भी एक कबी होल के अलावा पीछे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही बॉटल होल्डर्स हैं, ना ही चार्जिंग पॉइंट है, ना ही स्टोरेज स्पेस है। बेसिक से बेसिक चीज़ जैसे कि आगे के जो फ्रंट सीट्स हैं उनके पीछे कोई पॉकेट भी नहीं दी हुई है, इन बेसिक चीज़ों का भी ख्याल मारुति ने यहाँ पर नहीं रखा है। टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी आपको गाड़ी में सिर्फ आगे के ही 2 पावर विंडोज़ मिलते हैं, पीछे के दोनों विंडोज़ आपको मैन्युअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। गाड़ी में आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर जैसे बेसिक फीचर्स भी मारुति ने यहाँ पर नहीं दिए हैं। ऑल्टो जो कि एस्प्रेसो से एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है, उसमें भी आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिल जाते हैं, लेकिन एस्प्रेसो के टॉप मॉडल में आपको लोअर बम्पर ब्लैक कलर में ही मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको फॉग लैंप जैसा फीचर नहीं मिलता, और अगर आप उसे अलग से लगवाना चाहते हैं तो वो लगवाने के लिए भी कोई प्रोविजन यहाँ पर मारुति ने नहीं दिया है। एस्प्रेसो के ग्लव बॉक्स के प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी घटिया है कि जो कि एक खिलौने के प्लास्टिक जैसा लगता है, और उसमें अगर आप कहीं गलती से ज़्यादा भारी सामान डाल दें तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन वो टूट जाएगा। एस्प्रेसो के रियर सीट में आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ना ही इस गाड़ी में आपको टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर टॉप एंड में बेसिक चीज़ें जो मैंने अब तक आपको बताई हैं वो नहीं मिलती, तो इस गाड़ी को ख़रीदना बेहद ही घाटे का या नुकसान भरा सौदा हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कि प्राइस कम रखने के बहाने से मारुति किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को लूट रही है, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। टॉप एंड मॉडल लेने के बावजूद भी कई सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिसिंग मिलेंगी। हालांकि एज ए एडिशनल एक्सेसरी आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये अलग से अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। आमतौर पर सभी कंपनियां अपने टॉप एंड वेरिएंट में वो सारी चीज़ें एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर देती हैं, लेकिन यहां पर उन सभी के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जानने की कोशिश करते हैं क्या है वो सारे फीचर्स या फिर एक्सेसरीज जो आपको अपनी जेब से एडिशनल पैसे खर्च करके लेने पड़ेंगे। एस्प्रेसो के फ्रंट ग्रिल पर आपको जो क्रोम की गार्निश दिखाई दे रही है, वो गार्निश एज एडिशनल एक्सेसरी है, वो स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं है, जिसके लिए आपको तकरीबन 1500 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं। एस्प्रेसो में आपको DRLs लगवाने के लिए अलग से एक प्रोविज़न तो दिया गया है, लेकिन DRLs लगाने के लिए आपको अपनी जेब से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि कॉम्पिटिशन DRLs को अपनी टॉप एंड वेरियंट में एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर दे रही है। एस्प्रेसो के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ व्हील कवर्स मिलेंगे, और अगर आप इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगवाना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से 23,000 रुपीज़ अलग से ढीले करने पड़ेंगे। एस्प्रेसो में आपको रियर स्पॉइलर नहीं आता है एज ए एक्सेसरी, अगर आप उसे अलग से लगवाना चाहते हैं तो रियर स्पॉइलर और एक ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट उसमें मिलती है, दोनों के लिए आपको कुल मिलाकर 5,600 रुपीज़ अपनी जेब से अलग से लुटाने पड़ेंगे। एस्प्रेसो के टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको उसमें लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा जो कि कंपटीशन ऑफर करता है, और इसके लिए आपको अलग से 600 रुपीज़ अलग से खर्च करने पड़ेंगे।
कंपटीशन आपको व्हील आर्चेस पर ब्लैक कलर की क्लैडिंग एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी आपको एस्प्रेसो में अलग से 4,300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एस्प्रेसो में डोर्स को स्क्रैच से बचाने के लिए डोर की क्लैडिंग भी आपको खरीदनी होगी। टॉप एंड वेरिएंट में वो एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट आपको नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको अपनी जेब से 4,000 रुपये अलग से खर्च करने होंगे। फ्लोर मैट के 1,200 रुपये और बूट मैट के 1,400 रुपये मिलाकर टोटल 2,600 रुपये यहाँ पर भी आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं मिलते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उन सभी के लिए आपको अलग से अपनी जेब पर थोड़ा सा बोझ डालना होगा। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी इसमें वो सारी चीज़ें एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं मिलती हैं जो कि कंपटीशन ऑफर करता है और आमतौर पर सारी कंपनियां इन्हें ऑफर करती हैं। टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी अगर आपको अपनी जेब से अलग से 50,000 से 60,000 रुपये खर्च करने पड़े तो ये कहाँ का टॉप मॉडल हुआ? क्या ये कंज्यूमर की लूट नहीं हुई, उन्हें बेवकूफ़ बनाना नहीं हुआ? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉल बॉय डिज़ाइन होने की वजह से इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारा बॉडी रोल मिलेगा, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर इसे शार्प टर्न्स पर मोड़ना आपके लिए बेहद रिस्की हो सकता है। आप सभी को मालूम ही होगा कि NCAP क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट को सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी और स्विफ्ट इससे कहीं बेहतर गाड़ी है, इसमें किसी को भी कोई दो राय होने की आशंका नहीं है। अगर स्विफ्ट को 2-स्टार रेटिंग मिल सकती है तो एस्प्रेसो की बिल्ड क्वालिटी की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। प्राइस के मामले में एस्प्रेसो की प्राइसिंग ऑलमोस्ट कंपटीशन की प्राइस के आसपास पहुंच रही है, उसके बावजूद भी कई सारे फीचर्स, कई सारी एक्सेसरीज आपको एज अ एडिशनल खरीदनी पड़ रही है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। और टॉप एंड मॉडल में आपको बस एक पिद्दी सा मैच बॉक्स मारुति पकड़ा रही है। क्या ये कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना नहीं है? एस्प्रेसो की प्लास्टिक क्वालिटी इतनी घटिया है कि मुझे ह्युंडई की ईऑन की प्लास्टिक क्वालिटी इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर लगी है। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की, कि कंपटीशन हमें क्या ऑफर करता है, जो कि है टाटा की टियागो। टियागो का बेस मॉडल आपको मिलेगा 4,65,000 से एक शोरूम कॉस्ट मुंबई, जो एस्प्रेसो से तकरीबन 17,000 रुपीज़ महंगा है। लेकिन एक नज़र डालते हैं इस पर भी कि ये अपने कंज्यूमर्स को क्या ऑफर करता है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन कम्स विद अ बॉडी कलर बम्पर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, क्रोम स्ट्रिप ऑन अ फ्रंट ग्रिल, व्हील कवर्स आपको मिलते हैं, टैबलेट स्टोरेज स्पेस एंड ग्लव बॉक्स, ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD एंड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स आपको यहां पर मिलते हैं, AC एंड हीटर आपको मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगी, टिल स्टीयरिंग मिलेगी, और इसके अलावा बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर फिट एंड फिनिश एंड बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी यहाँ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। कंपटीशन इतनी कई सारी चीज़ें बेहतरीन आपको ऑफर करता है, तो सेम प्राइस में जहाँ पर एस्प्रेसो के लिए आपको अलग से 50,000 और 60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, एस्प्रेसो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।